और इस वक्त हमारे साथ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मौजूद हैं। खुद नवनीत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो ये बताइए कि उद्धव ठाकरे ने चुनौती दे दी आपको, तो ये चैलेंज उद्धव ठाकरे का कबूल कर रही हैं क्या? तय किया आपने कश्मीर में कहां जाकर पढ़ेंगी हनुमान चालीसा? मैं आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगी, पहले तो जय हनुमान, जय श्री राम। कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल भरे मंच पे औरंगाबाद में जो सभा ली, और सभा में एक मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को एक्सपेक्टेशंस मुख्यमंत्री से यही रहती है कि महाराष्ट्र की विकास, महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के बेरोजगार, महाराष्ट्र की प्रोग्रेस, महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे। पर जब भी मुख्यमंत्री पिछले दो सालों से जब भी वो कोई भी सभा लेते हैं या रैली कंटेस्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ विरोधकों को टॉन्टिंग करने का काम, उस उन पे कुछ भी सीधे अलग तरीके से भाषा बोलने का काम करते हैं। अगर मैं उनसे एक प्रश्न करती हूँ, आह्वान हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए और राम लल्ला के दर्शन के लिए अगर कोई मुझे आह्वान देता है तो उसे मैं खुले तरीके से उद्धव ठाकरे जी का आह्वान ये स्वीकारती हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। कश्मीर ये हमारे भारत देश का एक अंग है और वहाँ जाकर अगर मुझे कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी और वहाँ पर भी हनुमान चालीसा का वाचन पाठ में ज़रूर करूँगी। पर उसके पहले मैं उद्धव ठाकरे जी से ये पूछना चाहती हूँ, जिस औरंगाबाद में उन्होंने कल सभा ली वहाँ की समस्याओं पे क्यों बात नहीं की गई? वहाँ पर संभाजी नगर पे क्यों उन्होंने चर्चा नहीं की गई मंच पर? संभाजी नगर और क्यों ओवीसी साहब पे इतने मेहरबान क्यों हैं उद्धव ठाकरे जी? ये प्रश्न है मेरा उनको। आज औरंगाबाद की हर जनता, एक एक महिला, एक एक परिवार पानी के लिए त्रस्त है, उस पे उन्होंने क्यों संभाषण भाषण नहीं किया? उनको सिर्फ उद्धव ठाकरे जी के जितने भी स्पीचेस रैली आज तक हुए हैं, उन्होंने दूध अभिषेक की बात की कि दूध अभिषेक करना है तो कहीं पर भी जाके कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर में जाके पढ़िए। मैं तो आह्वान उद्धव ठाकरे जी का स्वीकारती हूँ, पर उन्हें भी एक प्रश्न विचारती हूँ कि आप जिसका नारा देते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र में अगर हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकती हूँ जिसकी मैं महाराष्ट्र की बेटी रहकर, तो आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? आप कहते हैं कि मंदिर में जाना जरूरी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हो? आपने पहले इसका उत्तर देना चाहिए। नवनीत जी, तो कश्मीर में पढ़ूंगी मैं, मेरे महाराष्ट्र में भी पढ़ूंगी। आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आपने उनसे भी सवाल पूछा है, बुनियादी सवाल आपने उनसे पूछा है कि आप हनुमान चालीसा कब पढ़ेंगे? हिंदुत्व को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की रक्षा करना असली हिंदुत्व है, तो हनुमान चालीसा फिर हिंदुत्व की क्यों नहीं? इस पर आप क्या सोचती हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इस देश के गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जिस तरीके से ये देश के लोगों के हित में और न्याय के लिए जो लड़ाई दे रहे हैं उसके साथ में हम सब खड़े हैं। और आज नहीं, आने वाले कितने भी समय में अगर जब भी इस हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी नागरिकों को जब भी तकलीफ होगी, ऐसी समस्या आएगी, सबसे पहले उनके साथ में खड़े रहने वाले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी हैं। और ये पूरे देश ने देखा है कि 8 साल पहले क्या परिस्थिति ये देश में थी, किसके न्याय में यहाँ पर बात होती थी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता था, और आज भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस देश के हर एक नागरिक, जब भी किसी पे अन्याय होगा ये देश के नागरिकों पे, हर देश का नागरिक उनके बाजू में खड़े होकर स्टैंड लेने के लिए उतना ही सक्षम है। मैं उद्धव ठाकरे जी को पूछती हूँ, जब आप अपने दोस्त के नहीं हो सके, जब आपने कहा कि हम जिनके साथ थे वो इतने कट्टर विरोधी निकले, तो मुझे बताइए विरोध उन्होंने नहीं, आपने बेईमानी की, आपने बीजेपी के पीठ पे खंजर खोप के आपने पद का दुरुपयोग किया, और आज पावर का दुरुपयोग, मिस यूज महाराष्ट्र में अगर कोई कर रहा है तो वो उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से कर रहा है। तो नवनीत राणा जी, अभी तो आपने उसी मुख्यमंत्री जो दोस्त अब दुश्मन बन चुका है उसी दोस्त को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना उद्धव ठाकरे। कह रहे हैं साहब हिंदुत्व जो है वो सिर्फ बातों में क्यों,
कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं वो, और ये तो हकीकत है कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं केंद्र सरकार को, तो वो क्या कर रहे हैं? जी, मैं भी 3 वर्षों से पार्लियामेंट में जिस तरीके से काम कर रही हूँ, जो मुद्दे आ रहे हैं 370 को लेकर, जो मुद्दे आ रहे हैं, उसके बाद जितने भी बिल्स और अमेंडमेंट्स हमारे पार्लियामेंट में आए हैं, वो साफ तौर से ये दिखाई जाता है कि देश के हित में और देश में रहने वाला हर नागरिक उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे पता है जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे फेस करके उसे सही करना ये सेंट्रल का कर्तव्य है। सेंट्रल पूरी तरीके से, जहाँ तक हमें नॉलेज है, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर भी, तो यही समझ में हमें आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ये देश के हित में काम कर रहा है। जो उद्धव ठाकरे जी आज इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये पहले की बीजेपी रही है, पहले तो इन्होंने उत्तर देना चाहिए। आज जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के वोटिंग के लिए सभी MLAs को जो 5 स्टार में रख रहे हैं, 50,000 रुपये दिन का रेंट भर रहे हैं, और हमारे ऊपर देशद्रोह का कलम ऑफेंस लगवा रहे हैं सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने पे, ये जो अन्याय महाराष्ट्र पे हो रहा है, महाराष्ट्र में रहने वालों पे अन्याय हो रहा है, इस पे कौन उत्तर देगा, इस पे कौन जवाब देगा, ये पहले उद्धव ठाकरे जी ने बताना चाहिए। बिना देश के, नवनीत राणा जी, कश्मीर के पर आप पर ही उठाया जा रहा है, ये कहते हुए कि भाई आंदोलन किया जाता है, आंदोलन की शक्ल दे दी जाती है, अजान वर्सेज हनुमान वाले मामले में उसमें इतना मुखर होकर आप इतना आगे जाते हैं, तो कश्मीर में जब टारगेटेड किलिंग्स हो रही है उस पर आंदोलन कब और कौन करेगा आंदोलन? हम ही लोग, देश में जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, 100% जब पार्लियामेंट नेक्स्ट मंथ होगा तब पार्लियामेंट में ये आवाज़ 100% सभी पार्लियामेंटेरियन सभी उठाएंगे और उनके हित में किस तरीके से काम कर सकते हैं, और ये पंडित किलिंग जो कश्मीर में हो रहा है इसे किस तरीके से रोका जाएगा। मुझसे ज़्यादा और हम पार्लियामेंटेरियन से ज़्यादा, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर इसमें कई ज़्यादा सीरियस होंगे। जब 370 वो कश्मीर में लागू करने की बात करते हैं, कश्मीर के लिए अमेंडमेंट बिल लाते हैं, तो मुझे लगता है उनके हित में और उनकी सेफ्टी के लिए भी काम जिस तरीके से होना चाहिए वो केंद्र बहुत तरीके से और बहुत अच्छाई से ये केंद्र सरकार काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं आ सकता है। मुझे पता है प्रॉब्लम्स आर देयर, वी हैव टू फेस, और हम फेस भी कर रहे हैं। यस, आपने पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया, एक और मुद्दा जो इन दिनों गर्म है, सत्ताधारी पार्टी की एक प्रवक्ता का बयान ऐसा आता है जिसके बाद दुनिया भर में जब सवाल उठाए जाते हैं तो फिर वो सत्ताधारी पार्टी उस प्रवक्ता से किनारा कर लेती है, उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन जवाब तो दुनिया भर में भारत सरकार को देने पड़ रहे हैं। क्या इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उन्हें कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज़ को लेकर अगर कोई बात करता है, भाष्य करता है, तो मुझे लगता है उसमें उन्होंने कंट्रोल करना चाहिए, और पार्टी की जवाबदारी यही है। अगर कोई बाय मिस्टेकली या पर्पजली या इंटेंशनली अगर कोई प्रवक्ता इस तरीके की बातें करता है तो पार्टी ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और मुझे लगता है भाजपा ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने उन पर कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निकाला भी गया है। तो मुझे लगता है दिस इज़ दी करेक्ट आंसर कि वो ऐसे कोई भी प्रवक्ता के स्टेटमेंट के साथ वो अग्री नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। ठीक है, नूपुर शर्मा पर तो आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन एक बार फिर मैं आऊँगी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने आपको चैलेंज कर दिया और कह दिया है कि कश्मीर जाए, आपने चैलेंज खुले तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो कब जाने की तैयारी है आज ABP न्यूज़ पर ही बता दीजिए। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की तारीख उद्धव ठाकरे जी बता दीजिए, उसके बाद जाकर मैं कश्मीर में किस तारीख को पढ़ूंगी, हनुमान चालीसा का पाठन करूंगी, वो भी ज़रूर मैं डिक्लेयर करूंगी। पहले हनुमान चालीसा का पाठन अगर महाराष्ट्र में पढ़ नहीं सकते हैं तो ये किस तरीके से आह्वान करते हैं? आह्वान तो स्वीकार सकती हूँ, महिला हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे आह्वान को स्वीकारूंगी नहीं, पर मैं ज़रूर ये एक्सेप्ट करूंगी कि जो आह्वान दूसरों को देते हैं पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठन घर पे, मातोश्री पे ज़रूर पढ़े और सब दुनिया को बताए कि वो हनुमान चालीसा पढ़ के कि मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति हनुमान जी में और रामलला में ज़रूर है। जी, आप हमारे साथ रहिए, मैं आपसे आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले जिस तरीके से
सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता और उनका वो विवादास्पद बयान जिसके बाद राजनीतिक तौर पर चौतरफा बीजेपी भी घिरी है और बीजेपी को किस तरीके से नुपुर शर्मा के इस बयान को लेकर घेरा है उद्धव ठाकरे ने, जरा वो सुना देते हैं फिर आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अपमान केल्यानंतर सगळे मिडिल ईस्ट अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं, माफी मागायला लावली। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? गुन्हा केलाय तो भाजपाने केलेला आहे, गुन्हा केलाय तो भाजपाच्या तीन पाठ प्रवक्त्यांनी केलेला आहे। भाजपचा प्रवक्ता म्हणजे देशाचा प्रवक्ता होऊ शकत नाही, भाजपची भूमिका ही देशाची भूमिका होऊ शकत नाही। तो यहाँ पर आपने सुना नवनीत राणा जी किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने हमला करते हुए कहा है, जो गलती बीजेपी के प्रवक्ता करें, बीजेपी के नेता करें, उसके लिए माफी देश क्यों मांगे। मैं आपको वही कह रही हूँ कि उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से सिर्फ टॉन्टिंग की सभा और विरोधकों को उत्तर देने की सभा, मैंने आज तक कोई भी मुखिया जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो सभा लेते समय पूरी महाराष्ट्र की जनता, हमारे बेरोजगार यंगस्टर्स उनके तरफ आशा से देख रहे थे, हमारे महाराष्ट्र के किसान जो आज महाबीज करके महाराष्ट्र की सरकार किसानों को बीज देने का काम करती थी, जब देवेंद्र साहब की सरकार थी यहाँ पर तब हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट में 40,000 टन ये अवेलेबल बीज रहता था। आज ये परिस्थिति है उद्धव ठाकरे जी की सरकार में जहाँ पर हमें सिर्फ 2,500 टन ये बीज हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। जब हम पूछते हैं क्यों प्राइवेट कंपनियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों प्राइवेट कंपनियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास बीज अवेलेबल नहीं है पर प्राइवेट कंपनियों के पास अवेलेबल है, क्योंकि इनके जो वसूली की जो सरकार है, जो करप्शन की सरकार है, इनकी जो टीम बनी हुई है कि सरकार से अगर बीज वितरण नहीं हुआ तो प्राइवेट कंपनी से जो फायदा इन्हें मिलेगा इनडायरेक्टली टेबल के नीचे, उसका फायदा सीधा ये सरकार को और उद्धव ठाकरे जी को जाएगा। इन्होंने इस पे बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए थी। देश ने माफी मांगना है या नहीं मांगना है, मुझे लगता है वो पार्टी ने, बीजेपी ने, पार्टी ने जब वो प्रवक्ता को अपने पार्टी से निकाल कर ये दिखाया कि हम ऐसे कोई भी बयान को समर्थन, बयान का समर्थन नहीं करते हैं, और मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो आज ये पद पे बैठे हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, जब ये पद पे बैठे हैं तो उन्होंने खुद की मेहनत से, खुद की ईमानदारी से, खुद के डेडिकेशन से ये पोस्ट हासिल की है। पर उद्धव ठाकरे जी जब आप एलिगेशन प्राइम मिनिस्टर जी पे लगा रहे हैं तो ये विचार जरूर करना चाहिए, आप एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी से कभी इलेक्शन चुन के नहीं आए हैं, आप अगर आज पोस्ट पे बैठे हैं तो आपकी जो हमारे आदरणीय बाड़ा साहेब ठाकरे जी का जो योगदान हमारे महाराष्ट्र के लिए था उनके नाम पर बैठे हैं, तो आपने एलिगेशन करने से पहले, टॉन्टिंग करने से पहले अपनी कैलिबर क्या है, हम क्या हैं, वो देखकर बात करना बहुत जरूरी है। वो देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं। नवनीत जी, नुपुर शर्मा पर बीजेपी के कई सारे नेता हैं जो उनके समर्थन में भी खड़े हैं, उनका कहना है कि बहुत हार्श स्टेप ले लिया पार्टी ने, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आपका स्टैंड। मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि बाय मिस्टेकली जब भी हमसे कोई गलतियाँ होती हैं, सी जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं बहुत बार हमसे गलतियाँ होती हैं, जो काम करता है उनसे ही गलतियाँ होती हैं। आई अग्रीड विद द बीजेपी स्टैंड, जो पार्टी ने स्टैंड लिया है कि ऐसे कोई भी शब्द को या स्टेटमेंट को वो समर्थन नहीं करते, मैं उनके साथ खड़ी हूँ और वो स्टैंड भी मेरा रहेगा। अगर बाय मिस्टेक कभी मुझसे या किसी से गलती कोई चीज़ में हो जाती है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन लेकर, तो मुझे लगता है वी हैव टू टेक स्टैंड लाइक दिस, क्यों हमारा देश जहाँ पे यूनिटी स्टैंड करते हैं हम पूरे देश में, वो दिखना बहुत ज़रूरी है कि ये देश में रहने वाला हर नागरिक की इक्वली वो ये देश को उनका अधिकार है, तो वो चीज़ें मैं उनका समर्थन करती हूँ। नवनीत जी, अभी निर्दलीय ही हैं आप या बीजेपी ज्वाइन कर लिए, मतलब बिल्कुल जो बीजेपी की लाइन है सारी आप वही बातें बोल रही हैं, बीजेपी ज्वाइन तो नहीं कर लिया आपने? आपको लगता है जब मैं बीजेपी का मैं समर्थन से ज्यादा मैं जो न्याय चीजें हैं, अन्याय हो रहा है उनके विरोध में हमेशा बोलती हूँ,
अगर आपने मेरे पार्लियामेंट के स्पीचेस देखे होंगे मैडम, आई एम ऑलवेज इन दी फेवर ऑफ पब्लिक, मैं पब्लिक के फेवर में और हित में बात करती हूँ। पर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे गृह मंत्री ये देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके हित में खड़े रहना, उनके साथ खड़े रहना, मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य और मेरी जवाबदारी भी बनती है। एक आधा व्यक्ति अगर स्टेटमेंट गलत देता है तो बीजेपी को वो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था कि उन्हें पार्टी से बाहर रख के ये दिखाना कि हमारे देश में ऐसे स्टेटमेंटों को जगह कोई भी नहीं दे सकता। आपने ये तो क्लियर कर दिया कि बोलते वक्त सोच समझ कर बोलना चाहिए, और जिस तरीके की बात नुपुर शर्मा ने की उसका आप समर्थन तो नहीं करती हैं, लेकिन ये बताइए जो उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? सी, मुझे लगता है जो भी कार्रवाई नियम कायदे से होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई गलती करता है, अगर उसकी कोई नियम कायदे जरूर होते हैं, उसके लिमिटेशंस होते हैं, उसके अंतर्गत अगर कोई कार्रवाई है तो जरूर नुपुर जी पे भी कार्रवाई वो तरीके से हुई। ऐसी अगर बीजेपी स्टैंड उन्हें लेके छह साल के लिए अगर बाहर करती है तो आई थिंक दिस स्टैंड इज वेरी क्लियर। और जो भी कार्रवाई होती है ये देश में संविधान को सामने रखकर हर व्यक्ति को समान न्याय देने का काम ये संविधान करता है। संविधान के अंतर्गत इन पे अगर कार्रवाई बनती है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बहुत से विपक्षी दलों के नेता हैं जो कह रहे हैं कि साहब इतनी देरी कर दी, जब दुनिया भर में भद पिट गई उसके बाद नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया, मतलब करे बीजेपी और भरे भारत, जिसमें आप बीजेपी का पूरी तरीके से समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। आप कह रही हैं कि बिल्कुल सही कदम बीजेपी ने उठाया है। अब चलते चलते जरा ये भी बताइए कि आने वाले समय में क्या बीजेपी के समर्थन से चुनाव मैदान में हमें पता चलेगा कि उतरी हुई है नवनीत राणा, ऐसा हो सकता है क्या? एनसीपी के समर्थन से आप पहले चुनाव लड़ चुकी हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी मैंने इलेक्शन चुनाव, दोनों ही इलेक्शन चुनाव मैंने लड़ा है, और आज भी हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए फीमेल हैं हम। आज भी हम नंबर्स में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। बहुत कष्ट है महिलाओं को कोई भी फील्ड में, और उसी कष्ट के साथ खून का पसीना करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ मैडम। तो मेरे अमरावती के विकास के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, मेरे महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए मैं आगे भी इसी तरीके से, जो मेरी आज बेस है मैं उसी तरीके से आगे भी मैदान में लड़ूंगी। ये ज़रूर है कि हम मोदी जी को पहले भी समर्थन हमने किया है, स्टेट में भी हमने उनके साथ में खड़े हैं और सेंटर में भी उनके साथ हमने समर्थन किया। पर यस, मैं जिस बेस पे आज खड़ी हूँ उसी बेस से आगे भी मैदान में उतरूंगी, और मेरी जनता के हित में और मेरी जनता जहाँ रुख दिखाएगी उस रुख पे मैं जरूर चलूंगी। एक बार फिर से आपकी इजाजत से आपकी आर्च नेमेसिस का मैं जिक्र करना चाहूंगी। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भी उस बयान का जिक्र कर दिया मंच से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो उस इस बयान का उनका इस्तेमाल करना, उसे कैसे देखती हैं आप? मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर जिस तरीके से जो भी बीच में शिवलिंग मिला और किस तरीके से खोज हुई, जो भी हमारी पीढ़ियाँ पहले की रहती हैं जिन्हें ये विश्वास है कि उनके पूर्वजों ने वहाँ पर पूजा की है या आराधना की है, अगर वो इतने श्योर थे करके उस जगह पे अगर कुछ मिला है तो मुझे लगता है वो एक तरीके से श्रद्धा का भी ये रखता है, सामने विचार रखता है। पर यस, हर जगह पे ढूंढने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं, पर अगर हमें ये पता है कि हमारे पूर्वजों ने उसी जगह पे अगर पूजा आराधना की है, प्रार्थना की है, तो उस पर एक बार चर्चा करना यह हमारा धर्म हमें जरूर सिखाता है। नवनीत जी, चलते चलते तारीख तो बताइए, नहीं तो भाई आपके विरोधी कहेंगे कि ठीक है नवनीत राणा जो हैं वो कश्मीर भी जाएंगी, हनुमान चालीसा कश्मीर में पढ़ के भी दिखाएंगी, लेकिन तारीख नहीं बताएंगी, तारीख तो बता जाइए। मैं आपको यही बता रही हूँ रुमाना जी कि उद्धव ठाकरे जी ने मुझे आह्वान दिया, मैंने स्वीकार लिया। अगर उद्धव ठाकरे जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एज ए फीमेल को और एक एमएलए को आह्वान करते हैं कि आप हनुमान चालीसा जाकर कश्मीर पे पढ़े, तो मेरा उनको एक प्रश्न है, मैं महाराष्ट्र में मातोश्री के बाहर क्यों नहीं पढ़ सकी, क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह मुझ पे और रवि जी पे लगा, इसका उत्तर उन्होंने देना चाहिए। ठीक है, मैं कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, आह्वान स्वीकारा, पर उद्धव ठाकरे जी आप मुझे पहले बताइए कि आप मातोश्री में कब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिस दिन आप पढ़ेंगे उसी दिन मैं ये भी डेट आपको डिक्लेयर करूंगी किस दिन मैं कश्मीर जाऊंगी और हनुमान चालीसा का पाठन कश्मीर में जाके करूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत राणा जी एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो आप सुन रहे थे निर्दलीय सांसद अमरावती से नवनीत राणा को कह रही है कबूल है मुझे चुनौती उद्धव ठाकरे की। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं मेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।